नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आएगी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को इस दिन मिलेगा 38% डीए का पैसा, सीधे अकाउंट में आएंगे 21,622 रुपये। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा वो दिन है जब कर्मचारियों के अकाउंट में मोटी रकम आएगी, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में इजाफा करने जा रही है। अगर आप भी डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में भी बम्बर इजाफा होने वाला है। बता दें कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो चुका है और जल्द ही अगले महीने इसका पैसा कर्मचारी के खाते में आने वाला है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसका ऐलान सरकार सितंबर में कर सकती है। इसके साथ ही सितंबर में ही इसका पैसा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बता दें कि महंगाई भत्ते में आपको जुलाई और अगस्त महीने के एरियर का पैसा भी मिलेगा। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग के वर्तमान स्केल के हिसाब से कर्मचारी और पेंशनों को 34% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई दर का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन अगले महीने औपचारिक ऐलान के बाद कर्मचारी के डीए में 4% का इजाफा हो जाएगा, यानी अगले महीने से आपको 38% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। सेवंथ पे कमीशन के मुताबिक कर्मचारियों को 38% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। अगर हम अधिकतम सैलरी पर कैलकुलेशन करें तो 56,900 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर महीने 21,622 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे, यानी इस पे स्केल वालों को सालाना 2,59,454 रुपये का फायदा होगा। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग के मुताबिक अगर आपकी बेसिक सैलरी 31,550 रुपये है तो डीए में 38% का इजाफा होता है तो बताते हैं कि हम आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। बेसिक सैलरी हुई 31,550 रुपये, महंगाई भत्ता 38% के हिसाब से 11,859 रुपये, मौजूदा जो डीए है 34% के हिसाब से फ़ायदा हो रहा है 10,727 रुपये का, महंगाई भत्ता बढ़ा 4%, मंथली सैलरी में इजाफा हुआ 1,262 रुपये का, और 1,262 को अगर 12 से गुणा करते हैं तो 15,144 रुपये सालाना बढ़े। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।